सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे थे आपकी क्लास 12th की इंग्लिश, और जिसमें मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोनाउन। और प्रोनाउन में आपके दो वीडियो दे दिए थे। आज का जो वीडियो नंबर होने वाला है वो 3 होने वाला है, ठीक है? तो ये वीडियो नंबर कौन सा होने वाला है? 3। तो इससे पहले आपके दो वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन्हें प्लेलिस्ट में देख लेना। प्रोनाउन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रोनाउन क्लास 10th, ठीक है? वहां पर जाकर के चेकआउट कर लेना। अगर आप ये वीडियो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाकर के यूट्यूब में सर्च करना है मेरे चैनल का नाम बेसिक टू टॉप स्टडी, या आप बोल देना तो आ जाएगा, ठीक है? वहां से चैनल को करना सब्सक्राइब, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाना। वहां पर आप जाकर के दोनों वीडियो देख सकते हो, ठीक है? उन्हें देख लेना, उनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद अगली वीडियो, ये जो तीसरी बन रही है, उसको आप देखना, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा मैं। जो भी आपको यहाँ करा रहा हूँ वो उसके सभी कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे कि ये चीज कैसे यूज होती है और क्यों यूज होती है, इसकी जगह पे दूसरी चीज क्यों नहीं आ सकती, वो सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, पहला नंबर कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध जो दर्शाएगा वो रिलेटिव होगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन यानी जो प्रोनाउन किसी नाउन, इसको जोड़ेंगे, ये नाउन को जोड़ेंगे, ठीक है? तो आपको मालूम है प्रोनाउन यूज क्यों किया जाता है, नाउन के स्थान पर, ठीक है? के स्थान पर प्रयुक्त होकर उनके स्थान पर प्रयोग में लाए जाएंगे तथा दो वाक्यों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कौन जोड़ते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन को, जो इससे पहले नाउन प्रयुक्त होता है, से संबंध को प्रकट करेंगे। उससे क्या बताएंगे, अपना रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे हु, व्हिच, व्हेन, विच, दैट और एज, ठीक है? ये यहाँ पर आते हैं, तो इनका हम देखेंगे कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है दिस इज द बुक विच आई फाउंड यस्टरडे, ठीक है? दिस इज द बुक, ठीक है? ये जो बुक है उससे कौन जुड़ रहा है, विच, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका। यहाँ पर क्या कहलाएंगे, इसे इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, कहलाएगा ये विच, ठीक है? तो ये बुक के, बुक से रिलेशन दिखा रहा है, ये किससे पहले आ रहा है, ये क्या कह रहा है, पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध दर्शाएंगे। देखो, इससे जो ये नाउन प्रयुक्त हुआ है, इससे ये रिलेशन को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसों को ये जोड़ रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है? ये वही बुक है जिसे मैंने, जो मुझे कल मिली थी, ठीक है? फाउंड यानी मुझे प्राप्त हुई थी, ठीक? इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए, दीज आर द चेयर्स, ये वही चेयर्स है विच, क्या कर दिया इसने, रिलेट कर दिया, इसे जोड़ दिया, आर ब्रोकन, जो क्या है, टूटी हुई है, ये वही चेयरें हैं जो कैसी है, टूटी हुई है, ठीक है? इस तरीके से आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सी इज द गर्ल, सी इज अ गर्ल, ठीक है? यह है सी इज अ गर्ल, यह है वह लड़की है, ठीक है? सी इज अ गर्ल, यह है वह लड़की है, ठीक है? हु, जो, यहाँ पर किसका मीन निकलेगा, जो गोज टू स्कूल डेली, जो हमेशा कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर यह हु किसके लिए यूज हुआ है, तो ये लिविंग के लिए यूज हुआ है, यानी गर्ल्स क्या है, एक लिविंग है यानी जीवित है, मतलब इसमें जान है, ठीक है? और यहाँ पर जो बिच यूज हो रहा था वो आपका नॉन लिविंग के लिए हो रहा था, यानी जिसमें जान नहीं होती, बुक में कोई जान नहीं होती, चेयर में भी जान नहीं होती है, ठीक है? तो इस तरीके से ये हु जो यूज होगा वो आपका लिविंग के लिए यूज होगा, ठीक है? हु गोज टू स्कूल डेली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ जो वर्ब आती है ना, ये वर्ब हमेशा इस जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले जो नाउन होता है उसके अनुसार आती है, ठीक है? तो ये गर्ल है, तो गर्ल के हिसाब से क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर गोश्त आ गया, क्योंकि एस या एस लगा देते हैं प्रेजेंट का होता है तो, ठीक है? अब इसमें क्या है, देखिए चेयर्स था, तो चेयर्स के अनुसार क्या आ गया था, आर आ गया था, ठीक है? तो इस तरीके से आती है ये चीज, आपको मैं थोड़ा बता देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए चौथा, दे आर द साइंटिस्ट, ठीक है? ये वे साइंटिस्ट है वो जो, ठीक है, हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर इंडिया, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो देखिए हैव आया ना, हैव किसके अनुसार आया, ये साइंटिस्ट के अनुसार आया है यहाँ से, ठीक है?
इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगला सेंटेंस देखेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पे पांचवा, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट सेगेसियस लीडर दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, कह रहा मिस्टर शर्मा जो है वो कैसे हैं, द मोस्ट यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव जब डिग्री लग जाती है तो हमें यहाँ पे किसका यूज कर देते हैं, दैट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है दैट वो आपका यूज हो जाता है यहाँ पे दैट के लिए, ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सेगेसियस का मतलब होता है वाइज यानी बुद्धिमान। ठीक है, सेगेसियस लीडर जो मिस्टर शर्मा है वे बहुत ही ज्यादा कैसे है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान लीडर है यानी नेता है। That I have ever seen, जैसे इन जैसे मैंने कभी नहीं देखे पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो that का यूज होगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सिक्स, सेंटेंस सिक्स, दिस इज द बेस्ट बुक। अब देखिए यहाँ आ गया सुपरलेटिव डिग्री तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा that। ठीक है, ये इसका रूल है, दिस इज द बेस्ट बुक यू हैव एवर गिवन टू मी। ये मतलब ये बहुत ही अच्छी बुक है जो आपने मुझे पहले कभी नहीं दी थी, तो अभी दी है, पहले कभी नहीं दी थी। यू हैव एवर गिवन टू मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। लास्ट ये देखिए सेवनवा, आई एम द टीचर, मैं वही टीचर हूँ। ठीक है, आई एम द टीचर हु जो जो विल टीच यू इंग्लिश, जो तुम्हें क्या पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो इसका है इसका रिलेशन इससे दिखा रहा है। ठीक है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस एटवा, शिवम इज द बॉय हूज, शिवम लड़का है, शिवम वही लड़का है जिसके पिताजी, देखिए लिखा है शिवम इज द बॉय हूज जिसके, क्या यहां लिखेगा इसका जिसके, जिसके अर्थ लिखेगा जिसके पिताजी इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी क्या हैं, एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ये पिताजी इनके रहे, इस तरीके से ये बता रहा है। अगला देखेंगे नाइन, आई हैव अ सन, मेरे पास एक लड़का है या, ठीक है, तो whom आई लव वेरी मच, जिसको मैं क्या करता हूँ, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। कौन कह रहा है, आई एम द सन, ये रिलेशन इससे दिखा रहा है, आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच, जिसे मैं क्या करता हूँ, बहुत अधिक प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसे आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्थ भी उतारे चल रहे हैं, इसलिए संक्षण के वो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो उसके प्रति। ठीक है, आगे देखेंगे लास्ट, लास्ट क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो विवाह सूचक सर्वनाम। ठीक है, जो प्रोनाउन क्या कह रहा है, जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, यानी बहुत सारी वस्तुएं हैं और उनमें से मैं कहूं कि एक, जैसे मान लीजिए क्लास में मान लीजिए 60 बॉयस है, अब मैं कहूं ईच बॉयस कम है यार, तो सभी बच्चे इधर आओ। ठीक है, तो ईच बॉयस प्रत्येक बच्चे इधर आओ, प्रत्येक मतलब एक एक करके आएगा। ठीक है, तो एक एक की बात कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को हम एक एक करके बुलाएं किसी चीज में। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, ईच, ईच प्रत्येक, आइदर, ठीक है, दो में से एक की बात करेगा, नाइदर दो में से कोई नहीं, और नन ये ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस के जरिए से समझ लेते हैं, आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज चीटेड मी, आइदर ऑफ द फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसके कोई दो मित्र है, ये दो के लिए होता है आइदर ऑफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसके कोई दो मित्र हैं, उनमें से किसी ने उसे क्या कर दिया है, चीट कर दिया है। अब देखिए दो में से एक है तो मतलब क्या कर रहा है, बहुत में से निकाल रहा है एक को, यानी व्यक्तियों में से या वस्तुओं में से वह क्या कर रहा है, प्रत्येक का वो कर रहा है, उनमें से कोई भी हो सकता है, दोनों की बात नहीं की उसने, कहा आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज चीटेड मी, इन दो मेरे मित्र हैं उनमें से मुझे किसी ने चीट किया है, यानी मुझे धोखा दिया है, डिसीव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये चीटेड और डिसीव का मीन सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीटेड किया है, क्या किया, धोखा दिया है उसे को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू। ठीक है, अब काफी लोग हैं मान लीजिए, तो उनमें से कह रहा है ईच ऑफ यू, तुम में से। ठीक है, यू कैन गो टू सी द ताज, तुम में से कोई ताजमहल देखने जा सकता है, ईच ऑफ यू।
ईच ऑफ यू, ठीक है, प्रत्येक क्या कर सकता है, ताजमहल देखने जा सकता है, ईच ऑफ यू। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा तीसरा, नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स ईच रे हैं, ये जो दो पेन है, मान लीजिए ये जो मैंने, मान लीजिए ये मेरे पेन मान लिए मैंने, तो ये दोनों जो पेन है उनमें से कोई भी रेड नहीं है यानी लाल नहीं है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ का यूज होता है दो में से कोई नहीं होगा, ठीक है, दो में से कोई नहीं, ठीक है, तो उसके लिए ये नाइदर यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर चौथा लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए करेंगे नन का यूज, नन ऑफ हिज फोर सन्स, उसके चारों लड़कों में से या बच्चों में से लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चारों बच्चों में से किसी ने उसकी क्या नहीं की, देखभाल नहीं की, ठीक है। चार बच्चे थे किसी के, मान लीजिए किसी पिता के चार बच्चे थे, उनमें से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, तो नन यूज करेंगे, ठीक है। नाइदर का, अगर नाइदर है तो दो का, दो व्यक्तियों में से किसी को करेंगे, और नन में से किसी में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा होगा। अब ऐसे ही हम कहेंगे जैसे आइदर है, आइदर का अपोजिट क्या होता है, जैसे वन कह सकते हैं या एनी कह सकते हैं। ऑफ दीज दीज थ्री फ्रेंड्स, इन तीनों मित्रों में से, ठीक है, इच नॉटी, इन तीनों मित्रों में से कोई ना कोई तो नॉटी है, एक नॉटी है तीनों में से, तो यहां पर दो में से यूज किया जा रहा था, ठीक है, और यहां पर क्या करा जाएगा, तीन में से, चार में से, पांच में से, जितने में से भी करेगा तो आप यहाँ पर इसमें करोगे वन या एनी का यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो, देख लीजिए जिस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी इसमें परेशानी हुई है, कहीं भी समझ में नहीं आया कोई सेंटेंस, कहीं पे दिक्कत हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है सर ये जो सेंटेंस लिखा था आप पूरा सेंटेंस लिख देना, उसके बाद पूछना कि इसमें क्या रिलेशन है या क्या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पहले अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ जाए इस तरीके से आपको हमने सब बताया, इसलिए मैंने प्रत्येक का क्या लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सबका एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा और बता दिया है कि आपको वन या एनी, ठीक है, इनमें से आप तीन चार पांच या मतलब पॉइंट में से उनमें से कोई ले रहे हो पर, ठीक है, और इनमें से जो अगर मान लीजिए कोई नहीं ले रहे हो, चार है पांच है लोगों में से नहीं ले रहे हो, तो इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि आप भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, आपने क्लास 10th की, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लेते हैं, थैंक यू।